नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप पर किसी देवी देवता की विशेष कृपा प्राप्त है। जब कोई देवी देवता हमारी सेवा पूजा से जागृत हो जाते हैं तो वे हमारे किसी न किसी चक्र पर आकर बैठ जाते हैं। अधिकतर देवता हमारे आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं। आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के बीच में होता है, इसलिए आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए आप में वह लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं जिनसे कि आप सामान्य व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं। आप सामान्य व्यक्ति को यह बता सकते हैं कि उसको क्या परेशानी है, उसका निवारण क्या है। यह लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी पूजा किस स्तर पर पहुंच चुकी है। देवता जो कि धीरे धीरे जागृत होते हैं, जैसे जैसे वह प्रसन्न होते जाते हैं वैसे वैसे आप पर उनकी विशेष कृपा होने लग जाती है और धीरे धीरे वह सिद्धि में परिवर्तित होने लग जाती है। आज हम इस वीडियो में उन 5 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि आप पर किसी देवी देवता की विशेष कृपा प्राप्त है। नंबर 1, कई बार आप कहीं बैठे हैं, कहीं सो रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपके मन में ये विचार होता है कि यह कार्य होने वाला है, कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, यह विचार आपके मन में पहले आ जाता है। कई बार आप हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आपको यह चीज़ दिखाई देती है, आंखें खुली हों कभी आंखें बंद हों, यह आपको सत्य होती हुई नज़र आती हैं। कई बार आप कहते हैं कि ये बात तो मुझे पहले से ही होने की अंदेशा था। आपको लगता है कि वह वहम है, पर वह वहम नहीं होता। आपके अंदर की शक्ति आपको इस बात का एहसास कराती है कि यह घटना आपके आपके परिवार के साथ या आपके रिश्तेदार के साथ होने वाली है। दूसरा संकेत होता है कि आपका मन रोने का करता है। जब आप भगवान के सामने होते हैं तो आप उनसे प्रार्थना करके आप अपने मन की बात उनको कहना चाहते हैं। आप रो रो कर अपनी मन की व्यथा को ईष्ट के सामने प्रकट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोता है तो अपने मन के भावों को प्रकट करता है। यह जब ही होता है जब आपकी शक्ति जागृत हो। तीसरा लक्षण होता है कि आप अपने देवी देवता पर अटूट विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जब कोई परेशानी या कोई दुख होता है तो आपका विश्वास भगवान पर टकमकाता नहीं है, आप हमेशा यही कहते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा है। आपका विश्वास इतना अधिक होता है कि वह आप ईश्वर का प्रसाद मानकर उसे करने लगते हैं। इसके साथ ही चौथा लक्षण है, माई आना शुरू हो जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप बार बार उबासी लेते हैं। जैसे आप कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उबासी आना शुरू हो जाती है, आप तेजी से बड़बड़ाने लगते हैं। तीसरा अंतिम लक्षण, खासकर जब आप जहाँ आपका मंदिर है वहाँ आपको एक अजीब सी सुगंध महसूस होने लग जाती है। यह सुगंध बहुत अलग होती है, परफ्यूम से कई गुना अलग होती है। आप कई बार यह नहीं पहचान पाते यह खुशबू किस प्रकार की है। यह अत्यंत मनमोहक और आकर्षित करने वाली होती है, आपको मंत्रमुग्ध कर लेती है। आपकी इष्ट देव की शक्तियों के आगमन होने के साथ साथ आपके घर के मंदिर में जो भी आपके घर के मंदिर में ईष्ट देव की शक्ति मौजूद है वह आपको इस बात का एहसास कराती है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा विद्यमान है। और जब यह विशेष कृपा धीरे 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 बढ़ती जाती है तब आप उस शक्ति से डायरेक्ट साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।